इस वक्त की बड़ी खबर इस समय जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रही है, जहां पर एक सेना की गाड़ी में आग लग गई और इस हादसे में चार जवानों की मौत की खबर है। सेना ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर इस गाड़ी में आग लगी कैसे, चार जवानों की मौत हो गई है। अब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू पुंछ हाईवे से। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, सेना का बहुत महत्वपूर्ण ये रास्ता है, पुंछ राजौरी सुरनकोट के इलाके में जहां सेना तैनात है। बड़ी संख्या में सेना का ये वाहन जवानों को लेकर जा रहा था, जब एकाएक इसमें आग लग गई और धू धू कर जल उठी है गाड़ी। खबर ये आ रही है कि इसमें चार जवानों की मौत हो गई है, कितने घायल है अभी ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन आप जैसा इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास भी किया। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, क्या जानकारी मिल पाई है, आखिर ये आग लगी कैसे? जी बिल्कुल गौरव, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर आ रही है। दरअसल ये आर्मी का एक ट्रक था, इसमें आर्मी के जवान थे और भट्टा दोरिया इलाके के पास जो कि रजौरी पुंछ जो राजमार्ग है उस पर ये वहां पर ये गाड़ी जा रही थी और अचानक से इसमें आग लग जाती है। क्योंकि जानकारी अभी जो हमारे पास आ रही है बिल्कुल प्राथमिक जानकारी है कि अचानक से इस ट्रक में आग लग जाती है और दुर्भाग्य से जो कि वहां पर चश्मदीद हैं और जो वहां पर शव पाए गए कि चार शव वहां पर पाए गए हैं और लोगों ने हालांकि वहां पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने काफी कोशिश की इस आग को बुझाने की, लेकिन आग काफी भीषण थी। फिलहाल इस पर जो सेना है उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान जो है अभी आया नहीं है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये आग लगी है इसका भी कोई कारण का पता नहीं लग पा रहा है, तो इस पर कई जो थ्योरीज भी चल रही है, हालांकि ये काफी जल्दबाजी होगी इस पर कुछ इस पर टिप्पणी करना। क्या ये ट्रक सेना का अकेला जा रहा था या किसी कॉन्वॉय का हिस्सा था ये ट्रक? गौरव, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कोई कॉन्वॉय जा रहा था या ये एकमात्र ट्रक उस इलाके से जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार गौरव अगर मैं बताऊं कि पिछले हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में स्टिकी बॉम्ब्स का भी प्रयोग हुआ है इस तरह की जो वारदातें करवाने के लिए, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी आधिकारिक बयान की, लेकिन कयास कहीं लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जो काफी बुरी खबर आ रही है कि इसमें जो है चार जवान जो है झुलसे हैं इस आग में और शव मिले हैं वहां पर, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सेना के आधिकारिक बयान की। लेकिन वहां पर जो आसपास के लोग थे, जैसे उन्होंने देखा कि ट्रक में आग लगी है तो वो तुरंत पानी लेकर पहुंचे, उन्होंने पूरा प्रयास किया और जो स्थानीय पुलिस है वो भी वहां पर पहुंची, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया कि आग बुझ जाए, लेकिन आग काफी भीषण थी। तो आग के कारणों का अभी पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिला प्रशासन के भी और साथ में पुलिस के भी, वो इस समय मौके पर मौजूद हैं और इस पूरी स्थिति का वहां पर जायजा लिया जा रहा है। गौरव, ये जो हाईवे है इस पे कई गांव भी हैं, कुछ शहर भी हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जो जंगल के इलाके हैं, पहाड़ के बीच में से गुजरते इलाके। क्या ये पता चल पाया है कि एक गांव के पास का इलाका है, जंगल का इलाका है या फिर शहरी इलाके के पास लगी है ये आग? गौरव, शहरी इलाके के पास नहीं है, ये भट्टा दूरिया का जो क्षेत्र है वहां पर ये आग लगी है। ये राजमार्ग ही है लेकिन आसपास में जंगल है, पहाड़ियां हैं और गौरव अगर हमें याद होगा कि भट्टा दूरिया में ही काफी दिनों तक वहां पर मुठभेड़ चली थी 2021 में, और वहां पर जो है कई दिनों तक वहां पर तलाशी अभियान चला आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन वहां पर आतंकवादी फिर मिले नहीं थे। तो अभी भी ये संशय बना हुआ है कि आखिर एकाएक इस ट्रक में आग कैसे लग जाती है, तो ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। फिलहाल जो आला अधिकारी है सेना के भी, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर जिला प्रशासन हो, जिला पुलिस हो, इस पूरे विषय पर जांच चल रही है। लेकिन गौरव, जैसे मैंने कहा कि इस तरह की वारदातें जम्मू कश्मीर में पहले भी हुई है, खासतौर पर उधमपुर जिले में और धर्मनगरी कटरा के पास जहां पर स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग किया गया था हमला करने के लिए। लेकिन अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी इस विषय पर उससे जोड़ना, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल हमें प्रतीक्षा करनी होगी जो जांच होगी और जो साथ ही में सेना की तरफ से जो आधिकारिक बयान आएगा। गौरव, इस क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई थी जिसके बाद आतंकवादी फरार हो गए थे, उसके बाद सेना का एक बहुत बड़ा अभियान भी चला था, उसके बाद एक बार फिर
इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट आई थी कि यहां पर कुछ मूवमेंट देखा गया है। अब ये क्या आतंकवादी एक बार फिर इस इलाके में और खासतौर पर नियंत्रण रेखा को पार करके पुंछ के इलाके से राजौरी होते हुए और फिर यहीं से वो लोग कश्मीर में जाने का प्रयास करते हैं, क्या एक बार फिर इस इलाके में आतंकवादी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गौरव आप सही कह रहे हैं कि काफी समय से जो आतंकवादी हैं वो इस फिराक में हैं, पाकिस्तान भी इस फिराक में है कि जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर एक बार फिर से आतंकवाद को शुरू किया जाए, क्योंकि 90 के दशक की अगर हम बात करें शुरुआती वर्षों में तो कश्मीर घाटी की तरह जो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, वो भी आतंकवाद से काफी ज्यादा ग्रस्त थे। और अभी हाल फिलहाल के वर्षों में भी ये प्रयास हो रहा है कि यहाँ पर आतंकवाद एक बार फिर अपना सर उठाए। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो भट्टा दूरिया में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें आतंकवादी फरार होने में सफल हुए थे और काफी दिनों तक वो तलाशी अभियान चला, लेकिन उनका फिर अता पता नहीं लग पाया। और साथ ही में राजौरी जिले जो कि बिल्कुल पास में ही है राजौरी पुंछ के, दोनों जिले जो है नियंत्रण रेखा से सटे हुए हैं, और राजौरी जिले में ढांगरी इलाके में जो नरसंहार होता है हिंदू समुदाय के लोगों का, वो जो आतंकवादी जिन्होंने वो हत्याएं की थी उन आतंकवादियों का भी पता नहीं लग पाया था। उनके खिलाफ भी जो है काफी दिनों तक वहां तलाशी अभियान चला, लेकिन उनकी तलाशी में भी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। तो अभी तो फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले की घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में तो हो सकता है कहीं इसमें स्टिकी बॉम्ब का तो भी प्रयोग हुआ है। ये सभी अभी जांच का विषय, क्योंकि गौरव उधमपुर जिले में भी बस अड्डे में इसी प्रकार से जो सिविलियन बसेज है उनमें धमाके हुए थे, उनमें आग लगी थी और बाद में ये बात सामने आई थी कि उनमें स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार से धर्मनगरी कटरा जो है उससे थोड़ी दूर बाद एक बस जो है वहां से कटरा से निकली थी, वो जम्मू की तरफ जा रही थी, अचानक एकाएक उस बस में आग लग जाती है। और शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि कोई तकनीकी खराबी थी, लेकिन कई दिनों तक जांच चली और उसके बाद यही बात सामने आई कि एक स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग किया गया था। तो एक नई ये चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है नई नई तरीके ढूंढ रहा है जम्मू कश्मीर में शांति को। सुनील जी, बात आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, अगर ये स्टिकी बॉम्ब है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी।